अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्रैकिंग के हवाले से है। क्रैकिंग का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। तो क्रैकिंग की डिटेल पहले जान लेते हैं कि फ्रैक्चर डिस्टिलेशन कहते हैं हिस्से ब्रेक डाउन करना, यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी कि उसको जो क्रूड ऑयल जमीन से निकलता है उसको हम पहले स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और अकॉर्डिंग टू इट्स वेपर प्रेशर हम उसको सेपरेट आउट करते हैं। तो उससे हमें जो पेट्रोल मिलता है, पेट्रोल का दूसरा नाम है गैसोलीन, वो ओनली 20% हमें मिलता है, और जो 20% गैसोलीन है वो हमारी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता। तो इस मकसद के लिए फिर हमें किसी और चीज़ का सहारा लेना पड़ता है। हम क्या करते हैं, इसकी डिमांड को पूरा करने के लिए हायर हाइड्रोकार्बन, जैसे कि हमारे पास केरोसिन ऑयल है जिसका दूसरा नाम मिट्टी का तेल है, और गैसोलीन ऑयल है, गैस ऑयल जिसे डीजल भी कहते हैं, इसको हम हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में जो है वो कन्वर्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग। तो क्रैकिंग जो है वो क्या है प्रोसेस, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को, अल्केन को हम ब्रेक डाउन करते हैं स्मार्ट चेन हाइड्रोलेस, जिसका जिनका बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है, यानी कि हायर हाइड्रोकार्बन को हम क्रैकिंग के प्रोसेस से हम लेस हाइड्रोकार्बन जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसमें कन्वर्ट करते हैं। यानी कि हम सिंगल बॉन्ड वाले लॉन्ग चेन कंपाउंड्स को डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले स्मार्ट कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। जब इस लॉन्ग कंपाउंड को हम स्मार्ट कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट फिर कम हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाते हैं गैसोलीन में, यानी कि पेट्रोल में बाय द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग। और कंडीशन इसके लिए चाहिए हीट कितनी, 700 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल दिखाया गया है, तो इसको हमने बाय द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग जो है हमने एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को लॉन्ग ब्रांच चेन यानी कि स्मार्ट चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया है। इसके कुछ डेफिनेशन स्टूडेंट बुक में दी गई है। इट इज़ डिफाइंड एज ब्रेक डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट इनटू वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन, हायर हाइड्रोकार्बन जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उनको लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि डीजल और जो हमारे पास मिट्टी के तला बर्तन में डालें तो नहीं, वो उड़ता नहीं है। उसकी वजह यह है वो मालिक्यूल बड़े होती हैं, लॉन्ग होते हैं और वो बर्तन में ही स्टे करते हैं। जो ही हम उसको ब्रेक डाउन करके क्रैकिंग के प्रोसेस से स्मार्ट कंपाउंड में, यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले छोटे कंपाउंड में अल्कीन और प्रोपीन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये फिर जल्दी जो है इनका मॉलिक्यूलर मास भी कम हो जाता है, छोटे कंपाउंड होते हैं और जल्दी ही बर्तन में से फ्यूम्स की फॉर्म में ये वहाँ से एवेपोरेट हो जाते हैं। तो क्रैकिंग का ये जो है फ़ायदा हो जाता है कि हम हायर हाइड्रोकार्बन को जो है वो लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि दिखाया गया है कि दिस इज़ ए प्रोसेस इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड, यानी कि लॉन्ग चेन कंपाउंड, यानी कि लंबी कंपाउंड चेन वाली बॉन्ड को ब्रेक डाउन हम छोटे कंपाउंड में अल्केन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्रैकिंग के मुख्तलिफ तरह के टाइप्स हैं स्टूडेंट हमारे पास। जैसे कि यह दिखाया गया है क्रैकिंग का प्रोसेस, आप देख सकते हैं कि एक लंबी चेन है कार्बन की, इसको ब्रेक डाउन किया गया है स्मार्ट चेन हाइड्रोकार्बन में। तो इस तरह से क्रैकिंग के प्रोसेस से हम लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को स्मार्ट चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करके अपनी ज़रूरत को गैसोलीन की को पूरा कर सकते हैं। इसकी फिर आगे टाइप्स आ जाती हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हमारे पास। और इसके जो है हमारे पास टाइप आ जाती हैं, थर्मल क्रैकिंग है हमारे पास स्टूडेंट, कैटालिटिक क्रैकिंग है, स्टीम क्रैकिंग है। तो हर एक क्रैकिंग के अपने अपने फायदे हैं। वैरायटी ऑफ कंपाउंड प्रोड्यूस इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन अंडर विच क्रैकिंग टेक प्लेस, यानी कि जिस कंडीशन में हम क्रैकिंग करेंगे उस तरह के हमें मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स मिलेंगे। तो टाइप है, यानी कि थर्मल क्रैकिंग में हम हीट का इस्तेमाल करेंगे, कैटालिटिक क्रैकिंग में हम कैटालिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, स्टीम क्रैकिंग में हम स्टीम का इस्तेमाल करेंगे। जो सी कंडीशन देंगे उस तरह के हमें कंपाउंड्स मिलेंगे। तो पहले जान लेते हैं थर्मल क्रैकिंग को। तो थर्मल क्रैकिंग में हमें टेम्परेचर चाहिए स्टूडेंट्स 700 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये भी जो बहुत यूज़फुल थर्मल क्रैकिंग है, और हमें इससे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसा कि ईथीन और प्रोपीन, यानी कि डबल बॉन्ड वाले दो कार्बन वाले और तीन कार्बन वाले जैसा
कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये ईथीन और प्रोपीन है, ये हमें मिल गया है। ये किससे मिला है हमें स्टूडेंट? थर्मल क्रैकिंग से। टेम्परेचर आपने कितना रखा है? 700 डिग्री सेंटीग्रेड। और इनको दोनों कंपाउंड्स को हम अपने यूजफुल प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप आ जाती है वो कैटालिटिक क्रैकिंग है। तो जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया गया, थर्मल क्रैकिंग ये इतना आसान काम नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से हो के मुख्तलिफ सीरीज ऑफ चैम्बर से हो के हम थर्मल क्रैकिंग को परफॉर्म करते हैं। तो अगला जो है हमारे पास कैटालिटिक क्रैकिंग है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें हीट के हमें हमारे पास बचत जो हो जाती है। और जैसा कि ऊपर थर्मल क्रैकिंग में हमारे पास टेम्परेचर 700 डिग्री सेंटीग्रेड हम रखते हैं, लेकिन कैटालिटिक क्रैकिंग में टेम्परेचर की हमें बचत है। यहाँ पे टेम्परेचर हम 500 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं और प्रेशर यहाँ पे हम 280 रखते हैं और प्रेशर से हमें हीट की भी बचत हो जाती है। लेकिन इसमें हमें दो तरह के कैटालिस इस्तेमाल करने पड़ेंगे, दो कंपाउंड्स को एक दूसरे पे कोट करके तो हमें ये कैटालिस इस्तेमाल करना पड़ता है। स्पेशली जो हम कैटालिस इस्तेमाल करते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड और एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड जो है वो हमें जो कैटालिस इस्तेमाल करने पड़ते हैं, इससे हमें हीट की भी बचत हो जाती है, टेम्परेचर की भी, और जो है प्रेशर से हम अपने मतलूबा बेहतर क्वालिटी का जो गैसोलीन हम जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इससे हमें बेटर क्वालिटी का ऑक्टेन जो है वो फ्यूल मिलता है, यानी कि जो गैसोलीन कैटालिटिक क्रैकिंग से मिलती है उसका ऑक्टेन नंबर इंप्रूव हो जाता है। ऑक्टेन नंबर स्टूडेंट क्या है, ये हम नेक्स्ट जो है अभी इसको डिस्कस करते हैं कि ऑक्टेन नंबर क्या है। यानी कि इसको हम सादा लफ्जों में समझ लें कि यानी कि जितना किसी पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर बेहतर होगा उतना ही वो ज़्यादा बेहतर तरीके से गाड़ी में बर्न हो सकेगा। अगले स्टूडेंट हमारे पास टाइप आ जाती है स्टीम क्रैकिंग, और स्टीम ट्रैक क्रैकिंग में टेम्परेचर हमें चाहिए 900 डिग्री सेंटीग्रेड। और हम क्या करते हैं, ये जो हमारा कैरोसिन ऑयल होता है या गैस ऑयल होता है, यानी कि मिट्टी का तेल या डीजल हमारे पास होता है, उसको हम 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं। सारा का सारा जो है ये जो मिट्टी का तेल यानी कि कैरोसिन ऑयल और जो गैस ऑयल है ये सारा का सारा स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और इसको फिर हम रैपिडली कूल करते हैं। जो ही रैपिडली कूल करते हैं तो इससे भी स्टूडेंट हमें बहुत ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट्स जो है हमें मिल जाती हैं। और ये इस तरह से हायर हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो जाते हैं लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, और इससे जो हमें कंपाउंड्स तरह तरह के मिलते हैं, ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, बेंजीन, और ये जो मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स मिलते हैं, ये पेट्रोल के अलावा जो कंपाउंड्स हमें मिलते हैं इनको भी बहुत ज़्यादा जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। दे आर यूज फॉर मैनुफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, अद्वियात की तैयारी में, प्लास्टिक की तैयारी में, डिटर्जेंट्स यानी कि जिसको सर्फ में इस्तेमाल करते हैं हम, कपड़ों से दाग उतारने के लिए, सिंथेटिक फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने के लिए, फर्टिलाइजर खादों में इन कंपाउंड्स को, और वीड्स किलर्स जो है हमारे पास कंपाउंड्स की तैयारी में, जैसा कि एथेनॉल, फिनोल और ऑक्टी एसीटोन की तैयारी में भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टूडेंट इसके बाद अगला जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो रीफार्मिंग है। रीफार्मिंग का मतलब है दूसरे लफ्ज़ों में बेहतर बनाना, यानी कि आपने क्रैकिंग की, क्रैकिंग से आपने गैसोलीन और गैस ऑयल को ब्रेक डाउन किया गैसोलीन में, पेट्रोल में। तो इससे जो पेट्रोल स्टूडेंट हमें हासिल होता है, पीछे हमने पढ़ा कि तीन हमने टाइप्स को इस्तेमाल किया, थर्मल, कैटालिटिक और स्टीम। लेकिन कैटालिटिक क्रैकिंग से हमें पता चला कि ज़्यादा मतलूबा बेहतर नतीजे हमें मिलते हैं। तो रीफार्मिंग में हम जो गैसोलीन हासिल होती है उसको मज़ीद बेहतर। स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रीफार्मिंग, यानी कि बेहतर बना किस तरह से हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है बेहतर बना सकते हैं। यानी कि कैटालिटिक क्रैकिंग से हमें जो पेट्रोल मिलता है वो इतने बेहतर क्वालिटी का नहीं होता, यानी कि इसको गाड़ी में जो ही हम बर्न करें तो उससे खास किस्म के इंजन में से शोर आना शुरू हो जाता है। उसकी वजह होती है जो शोर आता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉकिंग। और उसकी नॉकिंग की जो वजह होती है बेसिकली वो ये होता है, गाड़ी में आप जाते हैं ये प्लग्स होती हैं और जो ही हम गाड़ी का स्विच ऑन करते हैं तो प्लग से जो है स्पार्क निकलता है और स्पार्क से पेट्रोल को गाड़ी में जो है वो आग लगती है, यानी कि पेट्रोल बर्न होना शुरू हो जाता है और गाड़ी जो है वो वर्किंग कंडीशन में आ जाती है। लेकिन अगर बेटर क्वालिटी का आपके पास गैसोलीन नहीं, पेट्रोल अच्छी क्वालिटी का नहीं डाला, तो यहाँ से जो है वो पेट्रोल पहले बर्न हो जाएगा और जो है वो प्लग से स्पार्क्स जो है वो नहीं पैदा हो सकेगा। जो ये एक जो है वो प्रॉब्लम आती है हमें,
तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉकिंग। आफ्टर क्रैकिंग गैसोलिन इज नॉट अ गुड क्वालिटी, यानी कि क्रैकिंग के बाद जो हमें गैसोलिन मिलती है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती जो है, और उससे जो है वो यानी कि फ्यूल पहले बर्न हो जाता है और प्लग से स्पार्क बाद में पैदा होता है, जो क्योंकि फिर जो है फ्यूल गाड़ी में स्मूथली बर्न नहीं होगा तो गाड़ी में एक ख़ास किस्म का शोर पैदा होना शुरू हो जाएगा जिसको हम क्या कहेंगे, नॉकिंग। और नॉकिंग को जो है वो क्या कहेंगे हम, इसकी डेफिनेशन, शॉर्ट मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस बाय लो क्वालिटी फ्यूल इन इंजन इज कॉल्ड नॉकिंग, यानी कि लो क्वालिटी फ्यूल बर्न हुआ इंजन में और उससे इंजन में ख़ास किस्म का शोर होना शुरू हो गया जिसको हम क्या कहेंगे, नॉकिंग। फ्यूल इज बर्न बिफोर द स्पार्क प्लग फायर, यानी कि फ्यूल पहले बर्न हो जाता है और प्लग से स्पार्क बाद में पैदा होता है जिससे फ्यूल की प्रॉपर बर्निंग ऑन द टाइम गाड़ी के इंजन में नहीं होती जिससे फिर मतलूबा हमें पावर गाड़ी के इंजन से नहीं मिलती, तो गाड़ी की जो है ना पूरा इंजन जो है वो ख़ास किस्म का मेटालिक शोर पैदा करेगा और वाइब्रेशन जो है इंजन में पैदा होना शुरू हो जाएगी। द क्वालिटी ऑफ फ्यूल इज चेक्ड बाय इट्स ऑक्टेन नंबर, तो हम ऑक्टेन नंबर से जो है वो गाड़ी की क्वालिटी को जो है वो चेक करते हैं, देखते हैं कि गाड़ी की क्वालिटी जो है वो ऑक्टेन नंबर से कैसी होगी। तो इस मकसद के लिए जो है जैसे कि ऑक्टेन नंबर को प्रूव करना दिखाया गया है कि यहाँ पे क्या किया गया, एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन में हम कन्वर्ट कर देते हैं जिससे गाड़ी जो है फ्यूल की बर्निंग कैपेसिटी जो है वो बेहतर हो जाती है। तो यहाँ पे हर एक चेन जो है स्टूडेंट बर्न करेगी बारी बारी और उससे ज़्यादा से ज़्यादा हद जो है हमें जो है वो मतलूबा हीट मिलेगी और हीट से ही पावर गाड़ी के इंजन को मिलेगी और गाड़ी जो है स्मूथली बर्न हो सकेगी। तो ऑक्टेन नंबर में हम क्या करते हैं, स्ट्रेट चेन को ब्रांचों में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस मकसद के लिए स्टूडेंट जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं 2-4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेट चेन ये हमारे पास एक कंपाउंड है और हमने कैटलिस्ट की मदद से इसको ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर दिया और उसका यहाँ पे नेम का तरीका बताया गया है आपको कि यहाँ से जहाँ पे ब्रांच ज़्यादा हो वहाँ से आप नेमिंग देना स्टार्ट करें, नंबरिंग करना स्टार्ट करें। तो यहाँ से मैंने क्योंकि यहाँ पे 1-2 ब्रांच हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ एक ब्रांच आती है, तो यहाँ से मैं नंबरिंग देना स्टार्ट करूँगा 1-2-3-4-5। तो हमारे पास ये चेन सीधी चेन जो है वो 5 कार्बन की है, तो अब पहले ब्रांचों के नेम दे देने, यानी कि कार्बन 2 पे 2 ब्रांच हैं तो मैंने इसका नाम लिख लिया 2-2, इस पे 4 पे भी एक ब्रांच है तो इसका नाम 4 लिख दिया, 3 ब्रांचें हैं एक जैसी ही तो क्या लिखा इसके लिए ट्राई, और CH3 ग्रुप को हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं, मीथाइल, तो क्या बोल बन गया इसका ट्राई मीथाइल, और कितनी कार्बन है 5, तो इसका नाम क्या हो गया पेंटीन। तो रीफार्मिंग में हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को बाय द यूजिंग ऑफ कैटलिस्ट ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे फ्यूल की बर्निंग कैपेसिटी जो है वो बेहतर हो जाती है। स्टूडेंट अगर हमारे पास ये कंपाउंड ना हो तो हम इस मकसद के लिए कुछ और भी दूसरा कंपाउंड इस्तेमाल, जैसा कि हम टेट्रा इथाइल लेड इस्तेमाल कर लेते हैं अगर ये कंपाउंड नहीं अवेलेबल, तो इससे भी जो है फ्यूल की ऑक्टेन नंबर इम्प्रूव हो जाता है, लेकिन इसका कुछ जो है ये भी हमारे पास एंटी नॉकिंग जो है एजेंट है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास कि व्हाट इज़ एंटी नॉकिंग एजेंट, कि एंटी नॉकिंग एजेंट वो कौन से होती हैं जो गाड़ी की ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव कर देते हैं। तो ये दो ऑक्टेन हमारे पास एंटी नॉकिंग एजेंट हैं 2-4 ट्राई मिथाइल पेंटेन और TEL टेट्रा इथाइल लेड, ये दोनों कौन से हैं एंटी नॉकिंग एजेंट। तो रीफार्मिंग भी स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हम स्ट्रेट चेन कंपाउंड को बाय द यूजिंग ऑफ कैटलिस्ट ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे फ्यूल की बर्निंग कैपेसिटी बेहतर हो जाती है। लेकिन स्टूडेंट टेट्रा इथाइल लेड का एक डिसएडवांटेज है क्योंकि ये जब फ्यूल बर्न होगा तो ये लेड जो है माहौल में जो है इजिली शिफ्ट हो जाएगी और ये एयर पोल्यूशन का बायस बनेगा, क्योंकि लेड जो है वो एक हैवी मेटल है जो वाटर के जरिए एयर के जरिए हमारी बॉडी में टॉक्सिटी पैदा करेगी। तो इस मकसद के लिए फिर हम क्या करते हैं, पहले फ्यूल की ट्रीटमेंट करके उसमें से लेड को निकाल लेते हैं और फिर जो है फ्यूल इस्तेमाल करते हैं जिससे बहुत ज़्यादा जो है हमारे अखराजात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे जी कैटालिटिक रीफार्मिंग को दिखाया गया है। इसके बाद जी नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन जो है वो हम कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट क्लासिफिकेशन की बात करें हमारे पास तो दो तरह की है, शॉर्ट क्वेश्चन ये है, एक ओपन चेन
हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो स्ट्रेट चेन की सूरत में हो सकते हो, ब्रांच चेन यानी कि ओपन चेन यानी कि आपके पास एक रस्सी है तो इसके दोनों सिरे जो हैं वो आज़ाद हों तो हम उनको क्या बोलेंगे, ओपन चेन। तो जैसा कि आप दिखाया गया है कि रस्सी है कार्बन की सीधी, इसमें दोनों सिरे जो हैं वो क्या है, आज़ाद हैं। बोथ कार्बन एंड्स आर नॉट अटैच, दोनों कार्बन के एंड्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हैं, अटैच नहीं है, तो हम इनको क्या बोलेंगे, ओपन चेन स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन। या फिर ये दूसरी शक्ल में हो सकते हैं कि यहाँ पर भी आप देखें तो दोनों किनारे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर एक ब्रांच पैदा हो गई है तो हम इसको ब्रांच ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। क्लोव चेन में स्टूडेंट क्या होगा हमारे पास कि दोनों कार्बन्स के एंड्स जो हैं, जैसा कि यहाँ पे क्लोव चेन की यहाँ पे दिखाया गया है कि ओपन चेन की चोट्स हैं अपने हमारे पास दिखाई गई है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। एंड ब्यूटेन का नाम क्यों रखा है, इसमें चार कार्बन आ जाती हैं, इसका वन ब्यूटीन इसलिए नाम रखा कि इसमें अति चार कार्बन है लेकिन यहाँ पे कार्बन नंबर वन में डबल बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड की वजह से इसका नाम ब्यूटेन ए को हटा के यहाँ पे ई लगा दिया गया है। नेमिंग स्टूडेंट अगले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेम हम कैसे देते हैं, दो एग्जाम्पलें काफ़ी हैं। अगला ब्रांच चेन में आप देख लें तो यहाँ पे तीन कार्बन और तीन कार्बन के कार्बन नंबर टू पे एक ब्रांच लगी हुई, तो टू पे ब्रांच लगी है तो हमने क्या नाम रखा, टू। और इस ब्रांच CH3 को क्या बोलते हैं, मीथाइल, और कितनी कार्बन है सीधी तीन तो हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल आप देखें तो ये भी तीन कार्बन है लेकिन यहाँ पे पहली कार्बन के साथ आगे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 2 2 के ऊपर ब्रांच है तो क्या लिखेंगे, 2-methyl, और डबल बॉन्ड की वजह से इसका नाम प्रोपेन से क्या हो जाएगा, ए को हटा के हमने वहाँ पे क्या लगा दिया, ई, तो प्रोपीन हो गया हमारे पास। तो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन स्टूडेंट क्या है कि दोनों एंड्स जो हैं वो कार्बन के वो एक दूसरे से अटैच होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे, क्लोज चेन और हाइड्रोकार्बन। तो क्लोज चेन क्या गया हमारे पास, दो टाइप है, होमोसाइक्लिक और दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक जिसमें एक जैसे ही कार्बन हो, और हेट्रो कहते हैं जिसमें मुख्तलिफ हो, जैसे कि दिखाया गया होमोसाइक्लिक एक जैसे कार्बन पे मुश्तमिल, हेट्रोसाइक्लिक जो मुख्तलिफ कार्बन पे मुश्तमिल। होमोसाइक्लिक रिंग ओनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन एटम, तो होमोसाइक्लिक में रिंग जो है वो सारा का सारा कार्बन एटम पे ही मुश्तमिल होता है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक के बाद जो है वो हेट्रोसाइक्लिक है जिसमें कार्बन के अलावा कोई और कार्बन एटम आ जाए तो उसको हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। होमोसाइक्लिक के स्टूडेंट दो टाइप है हमारे पास, एलीसाइक्लिक कंपाउंड, तो एलीसाइक्लिक कंपाउंड वो होती हैं स्टूडेंट होमोसाइक्लिक के आगे दो टाइप है, एलीसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड। तो एलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें तीन कार्बन आपस में रिंग की फॉर्म में अटैच हो, या चार हो, क्योंकि स्टूडेंट दो कार्बन तो रिंग की फॉर्म में अटैच हो नहीं सकते, तीन हो, चार हो, पाँच हो, छः हो, ऐसो हो। जैसे कि यहाँ पे तीन कार्बन को दिखाया गया, तो तीन कार्बन आपस में अटैच हैं एलीसाइक्लिक कंपाउंड में, तो इसका नाम तीन की वजह से साइक्लो, इसका नाम क्यों रखा है, ये रिंग की फॉर्म में अटैच है, एक दूसरे से अटैच है तो इसका नाम साइक्लोप्रोपीन। यहाँ पर चार कार्बन रिंग की शक्ल में अटैच है इसका नाम साइक्लोब्यूटेन, इसका पाँच रखे हैं तो साइक्लोपेंटेन, छः हैं तो साइक्लोहेक्सेन। इसके बाद स्टूडेंट जो हमारे पास इसकी दूसरी ही टाइप जो है वो आ जाती है, यानी कि होमोसाइक्लिक में दूसरी टाइप जो है वो एरोमेटिक आ जाती है। तो एरोमेटिक में जो है वो इसकी कंडीशन है कि इसमें क्या होगा स्टूडेंट, बेंजीन रिंग, और बेंजीन की निशानी के इसमें कार्बन कितने होते हैं, छः, और इसमें तीन अल्टरनेटिव कहते हैं, पहले डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, तो इसको नाम अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड कंपाउंड, तो इसको बेंजीन के नाम से पढ़ेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है एरोमेटिक कंपाउंड हमारे पास है, ये सारे बेंजीन के डायग्राम दिखाए गए हैं। अगर बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप आ जाए तो इसका नाम फिर कुछ और हो जाता है, अगर CH3 ग्रुप आ जाए तो टॉलिन इसका नाम बोल देना, OH ग्रुप आ जाए तो फिनोल बोल देना, CHO ग्रुप आ जाए बेंजाल्डिहाइड, NO2 ग्रुप आ जाए तो नाइट्रोबेंजीन। अगर दो बेंजीन आपस में एक दूसरे से अटैच हो जाए तो नेफ्थालीन है, तीन अटैच हो जाए तो एंथ्रासीन है। स्टूडेंट ट्रिपल बॉन्ड को ना आप इस रिंग की शक्ल में भी जाहिर कर सकते हैं, यानी कि बेंजीन के अंदर ऐसे रिंग लगा देंगे तो उसको पता चल जाए कि एग्जामिनर को कि इसके अंदर क्या है, अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड ही है। अगला स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है
हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रो कहते हैं मुख्तलिफ, यानी कि जिसमें कार्बन रिंग में कार्बन की जगह कोई और ग्रुप आ जाए तो हम उसको, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि इस पूरी रिंग में कार्बन कार्बन ही थे, लेकिन यहाँ पे कार्बन की जगह क्या आ गया, कार्बन की जगह नाइट्रोजन आ गया, तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, हेट्रो। हेट्रो कहते हैं मुख्तलिफ। साइक्लिक कहते हैं जो साइकिल में हो, यानी कि जिसका दोनों एंड जो एक दूसरे के साथ अटैच हो। तो हेट्रोसाइक्लिक में नाइट्रोजन कार्बन की जगह नाइट्रोजन आ गया तो इसका नाम पायराडीन हो गया, यहाँ पे कार्बन की जगह ऑक्सीजन आ गया तो इसका नाम फ्यूरान हो गया। तो एग्जाम्पल स्टूडेंट ऑफ तैयार कर लें, कंपाउंड इन विच रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम ऑफ मोर देन वन काइंड, यानी कि ऐसा रिंग जिसमें कार्बन के अलावा कोई और तरह के मुख्तलिफ तरह की कोई और कंपाउंड आ जाए तो उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। वो नाइट्रोजन भी हो सकता है, वहाँ पे कार्बन की जगह ऑक्सीजन भी हो सकता है और सल्फर भी हो सकता है, उनके मुख्तलिफ तरह के नाम है। तो स्टूडेंट ये था जी आज का हमारा सेकेंड ईयर का केमिस्ट्री का एरोमेटिक का टॉपिक, और जो है इसको फिर हम नेक्स्ट जो है वो फंक्शनल ग्रुप को आगे देखेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।